नमस्कार, 29 के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 भूगोल का तीसरा अध्याय, जिसका दूसरा भाग शक्ति संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। इस भाग में हम ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोतों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। शक्ति या ऊर्जा संसाधन। शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार और प्रतिरक्षा के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, यानी हमें इन कामों के लिए ऊर्जा या शक्ति की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संसाधनों को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है परंपरागत स्रोत और दूसरा है गैर परंपरागत स्रोत। ऐसे ही ऊर्जा स्रोतों की आवश्यकता हमें उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार, प्रतिरक्षा आदि में पड़ती है। तो ये जो ऊर्जा के स्रोत है, इनको मुख्य रूप से दो भागों में बांट कर अध्ययन किया जाता है, जिसमें पहला है परंपरागत स्रोत और दूसरा है गैर परंपरागत स्रोत। सबसे पहले हम देखते हैं परंपरागत स्रोत क्या है। वे स्रोत जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं, परंपरागत स्रोत कहलाते हैं। ऐसे स्रोत जो लंबे समय यानी प्राचीन समय से ही उपयोग में लाए जा रहे हैं, उन्हें हम परंपरागत स्रोत कहेंगे। ईंधन और जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत है। सबसे पहले हम देखते हैं ईंधन में कौन कौन से स्रोत आते हैं। इसका उपयोग पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। पकाने, ईंधन का उपयोग खाना पकाना हो, बर्तन पकाने हो या ईंटें आदि पकाने हो, उसके लिए प्राचीन समय से ही किया जा रहा है। उसके अलावा ऊष्मा प्राप्त करने के लिए सर्दी के मौसम में ऊष्मा प्राप्त करने के लिए लकड़ियों को जलाया जाता है या ईंधन का उपयोग किया जाता है। हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। ईंधन के लाभ क्या है? सुप्राप्य है, यानी ग्रामीण इलाकों में ये आसानी से प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा बहुसंख्यक लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है, यह ज्यादातर लोगों को ऊर्जा प्रदान करने का साधन है। इसकी हानि क्या है? संग्रहण में अधिक समय, आसानी से मिल तो जाता है लेकिन जंगलों में पेड़ों को काट कर लाना करना, उसमें समय अधिक लगता है। उपयोग प्रदूषण फैलाने वाला, इसका उपयोग है वो प्रदूषण को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा हरित गृह प्रभाव में वृद्धि करता है। निर्नवीकरण यानी इसका नवीकरण नहीं किया जा सकता है। पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहे थे, ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्म ईंधनों में परिवर्तित हो गए, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। जीवाश्म ईंधनों में क्या होता है? पौधे और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे होते हैं। ये धरती के अंदर दबने का कोई भी कारण हो सकता है, बाढ़ है, भूकंप है या और कोई प्राकृतिक आपदा, उसे जानवर और पेड़ पौधे धरती के अंदर दब जाते हैं। और तापमान, पृथ्वी का जो तापमान है और दाब है, उसके कारण जीवाश्म ईंधन में भी ये सारे पेड़ पौधे और जानवर के अवशेष है वो जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक ये साथी। इन खनिजों का भंडार सीमित है। अब हम देखते हैं कोयले के बारे में। यह बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। कोयला एक जीवाश्म ईंधन है, वो बहुतायत में पाया जाता है, यानी काफी मात्रा में पाया जाता है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन, घर में ईंधन के रूप में, उद्योगों जैसे लोहा और इस्पात, वाष्प इंजन और विद्युत उत्पादन में किया जाता है। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है, यानी कोयले से जो बिजली बनाई जाती है उसे हम तापीय विद्युत ऊर्जा कहते हैं। विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देशों में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस है, यानी इन देशों में काफी मात्रा में कोयला उत्पादित किया जाता है। भारत में कोयला उत्पादन क्षेत्र रानीगंज, पश्चिम बंगाल में तथा जरिया, धनबाद और बोकारो झारखंड में, इन स्थानों पर कोयला उत्पादित किया जाता है। इसके अलावा राजस्थान में भी कई इलाकों में कोयले का उत्पादन किया जाता है। कोयले के लाभ, विस्तृत रूप से उपलब्ध, यानी ये बड़ी मात्रा में उपलब्ध होता है, विद्युत रूपांतरण के लिए उपयुक्त है। कोयला है वो विद्युत के रूप में रूपांतरित करने में उपयुक्त माना जाता है। इसकी हानि क्या है? प्रदूषण का स्रोत है। कोयला भी काफी मात्रा में प्रदूषण फैलाता है। इसके अलावा परिवहन में भारी है, यानी कोयले का परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना महंगा पड़ता है। अगला है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम शब्द लैटिन भाषा है, उसके दो शब्दों पेट्रा और ओलिस से बना है। तो पेट्रा का अर्थ होता है सेल,
और ओलियस का अर्थ होता है तेल, तो इसलिए पेट्रोलियम का अर्थ हो गया सेल तेल, यानी चट्टानों में प्राप्त होने वाला तेल। पेट्रोल जिसे कार मोटरसाइकिल आदि चलते हैं, तेल जो हमारी साइकिल को चरमराने से रोकता है, चरमरा रहे यानी साइकिल में कई बार पुर्जों में आवाज आने लगती है तो हम ऑयल या कुछ ग्रीस वगैरह देते हैं, तो वो दोनों ही गाढ़े काले द्रव से होती हैं। दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव्य से होती है जिसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। इसका वेदन अपतटीय व तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों से किया जाता है। इसका वेदन यानी पेट्रोल निकालने का जो कार्य है वो अपतटीय यानी धरातल के बीच वाले भागों में या तटीय क्षेत्र समुद्र आदि तटों के क्षेत्र में स्थित तेल क्षेत्रों से किया जाता है। इसके बाद परिष्करशाला भेजा जाता है जहाँ अपरिष्कृत पेट्रोलियम के प्रक्रमण से विभिन्न तरह के उत्पादों जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक तैयार किए जाते हैं। ये जो पेट्रोलियम होता है अपरिष्कृत पेट्रोलियम, जिसको हम सीधा धरती के अंदर से वेदन करते हैं या निकालते हैं, उसके बाद उसको प्रक्रमण यानी उसको शुद्ध करने की एक प्रक्रिया की जाती है, जिसके बाद उस पेट्रोलियम पदार्थ से डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल जिसे हम केरोसिन भी कह सकते हैं, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक आदि तैयार किए जाते हैं। ये इतने तरह के पदार्थ हैं वो पेट्रोलियम से निकलते हैं। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है, क्योंकि इससे जितने भी पदार्थ निकलते हैं वो सारे बहुमूल्य होते हैं। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश ईरान, इराक, सऊदी अरब, कतर, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला, अल्जीरिया आदि हैं। भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्र असम में डिगबोई, मुंबई में बॉम्बे हाई तथा कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा, इन स्थानों पर भारत में पेट्रोलियम पदार्थ निकाला जा रहा है। इसके अलावा राजस्थान के बाड़मेर जिले में भी इसके भंडार मिले हैं। प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है और तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। प्राकृतिक गैस है वो पेट्रोलियम खनिजों निक्षेप यानी भंडारों के साथ पाई जाती है और उस समय मुक्त होती है जब इन पेट्रोलियम पदार्थों को हम धरातल पर लाते हैं, उस समय ये प्राकृतिक गैस है वो पेट्रोलियम पदार्थों से अलग हो जाती है। इसका प्रयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधन के रूप में किया जाता है। प्राकृतिक गैस है उसको हम घरों में भी काम लेते हैं, इसके अलावा वाणिज्यिक उद्योग ईंधनों यानी औद्योगिक क्षेत्रों में भी इसका उपयोग किया जाता है। रूस, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक देश हैं। भारत में जैसलमेर, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा, मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस संसाधन है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी एक प्रचलित पर्यावरण हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन है, यानी इसका प्रयोग ऑटोमोबाइल क्षेत्र गाड़ियों में ईंधन के रूप में किया जाता है, क्योंकि ये पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में कम प्रदूषित करता है। पर्यावरण हितैषी इसलिए है क्योंकि यह पेट्रोल और डीजल की तुलना में प्रदूषण कम फैलाता है। प्राकृतिक गैस के लाभ क्या है? आसानी से परिवहनीय, यानी इसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है और इसका जो साधन है वो पाइपलाइन हो सकता है। तेल और कोयले से अधिक स्वच्छ, तेल से सस्ता, तेल और कोयले से स्वच्छ होता है और तेल से सस्ता भी होता है, इसके कारण प्राकृतिक गैस से उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाता है। अगला है जल विद्युत। बांधों में वर्षा जल अथवा नदी का जल ऊंचाई से गिराने के लिए संग्रहित किया जाता है। बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन टरबाइन के ऊपर गिरता है। घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं और जिससे जल विद्युत उत्पन्न होती है, जल विद्युत कहा जाता है। विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश है नॉर्वे। नॉर्वे में सबसे पहले जल विद्युत का उत्पादन किया गया। विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश पराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील और चीन हैं। भारत में भाखड़ा, नांगल, गांधी सागर और दामोदर नदी घाटी परियोजनाएं प्रमुख जल विद्युत केंद्र है, यानी इन नदी घाटी परियोजनाओं में जल विद्युत उत्पादित की जाती है। जल विद्युत के लाभ, प्रदूषण मुक्त, यानी यह एकदम प्रदूषण से पूर्ण रूप से मुक्त होती है। सिंचाई और मत्स्य को बढ़ावा देता है। जल विद्युत उत्पादन करने के लिए जो बांध बनाए जाते हैं उस बांधों के पानी को विद्युत बनाने के बाद सिंचाई और मत्स्य पालन के लिए काम में लिया जा सकता है। इसके अलावा ये जो
विद्युत उत्पादन है वो सबसे सस्ता उत्पादन का तरीका है। हानि, स्थानीय समुदाय का विस्थापन, यानी जिस क्षेत्र में बांध बनाया जाएगा वहां पर, मान लीजिए यहाँ पर बांध है तो इस सम जगह जो पानी होगा उस पानी के भराव क्षेत्र में जितने भी लोग हैं उनको वहां से हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो पानी में डूबने वाला क्षेत्र हो जाएगा। तो स्थानीय समुदाय का विस्थापन है सबसे बढ़िया है। निम्न क्षेत्रों का जल प्लावन, और इसके आसपास जितने भी नीचे वाले भाग हैं बांध बनाने के बाद वो डूब जाते हैं। अब अगला है गैर परंपरागत स्रोत। अभी हमने जितने भी ऊर्जा के संसाधन पढ़े वो परंपरागत ऊर्जा के संसाधन थे, यानी प्राचीन काल से उनका उपयोग किया जा रहा था। अब है गैर परंपरागत स्रोत। गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जवारीय ऊर्जा को नवीकरणीय है। गैर परंपरागत स्रोत है वो नवीकरणीय, यानी इनको हम कितना भी उपयोग करते रहे ये वापस उपलब्ध होते रहेंगे। और जो परंपरागत स्रोत थे वो अनवीकरणीय थे, यानी सीमित संसाधन थे। सबसे पहले हम देखते हैं सौर ऊर्जा। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलरों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जाती है, यानी सौर सेलों की सहायता से सूर्य की ऊर्जा के द्वारा जो विद्युत उत्पन्न की जाती है उसको हम सौर ऊर्जा कहते हैं। इसमें से कई सेलों को सौर पैनलों से तापन व प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक सेलों को जोड़ा जाता है जो सूर्य के प्रकाश और उसकी गर्मी से विद्युत उत्पन्न करते हैं। धूप की प्रचुरता वाले उष्णकटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है, यानी जहाँ पर ऐसे क्षेत्र जहाँ पर धूप प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो उन देशों में सौर ऊर्जा की जो तकनीक है वो लाभदायक होती है। सौर ऊर्जा उपयोग का सौर तापमान, सौर कुकर, सोलर ड्रायर के साथ साथ समुदाय को रोशनी देने और यातायात संकेतों में भी किया जाता है। समुदाय को रोशनी, यानी आपने देखा होगा सड़कों पर सौर प्लेट के साथ जो लाइटें लगी हुई होती है वो सौर ऊर्जा से ही चलती हैं। इसके अलावा यातायात संकेतों में चौराहे पर जो यातायात के संकेत लगाए जाते हैं उसका उन जगहों पर भी सौर ऊर्जा से चलने वाली लाइटों का उपयोग किया जाता है। विश्व का प्रथम सौर और पवन चालित बस अड्डा स्कॉटलैंड में है, यानी स्कॉटलैंड देश में एक बस अड्डा है जहाँ पर सबसे पहले सौर और पवन से उत्पन्न ऊर्जा काम में ली जाती है। सौर ऊर्जा के लाभ असमाप्य, यानी यह कभी समाप्त नहीं होने वाला ऊर्जा स्रोत है। इसके अलावा प्रदूषण मुक्त, इससे किसी प्रकार का कोई प्रदूषण भी नहीं होता है। हानि क्या है? इसकी मुख्य हानि यही है, सबसे खर्चीला ऊर्जा स्रोत है, यानी सौर ऊर्जा के संसाधन लगाने के लिए काफी पैसा लगाना पड़ता है। स्रोत के विस्तृत होने से ऊर्जा बर्बादी। अगला है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा एक असमाप्य स्रोत है, यानी पवन ऊर्जा भी कभी समाप्त नहीं होने वाला स्रोत है। पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने जल निकालने के लिए चिरकाल से चला आ रहा है, यानी पवन चक्कियों का जो उपयोग है वो प्राचीन समय से ही अनाजों को पीसने और जल निकालने के उपयोग किया जा रहा है। वर्तमान पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती हैं जो विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती है। पवन फार्म नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएस तथा स्पेन में लगाए जाते हैं जो पवन ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय है। इन देशों में बड़े बड़े फर्म बनाए जाते हैं जहाँ पर पवन ऊर्जा उत्पादित की जाती है। अब देखते हैं पवन ऊर्जा के क्या लाभ और हानि है। पहली बात तो ये प्रदूषण मुक्त है, पवन ऊर्जा से किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं फैलता। एक बार स्थापित हो जाने पर विद्युत उत्पादन की कम लागत, पवन ऊर्जा का उपकरण में एक बार लगाने पर तो लागत होती, लेकिन उसके बाद लंबे समय तक ये ऊर्जा प्रदान करता रहता है, सुरक्षित और साफ। इसके अलावा इसकी हानि है ध्वनि प्रदूषण। पवन ऊर्जा में जो बड़े बड़े पंखे लगाए जाते हैं वो ध्वनि प्रदूषण के कारण बनते हैं। पवन चक्कियों को स्थापित करना महंगा, यानी पवन चक्कियां इनको स्थापित करना एक बार महंगा होता है, उसके बाद तो ये लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान करता रहता है। रेडियो व दूरदर्शन के प्रसारण संकेतों में व्यवधान, आधुनिक तकनीक के रूप में जो रेडियो और दूरदर्शन के प्रसारण है उसके प्रसारण संकेतों में ये व्यवधान डालता है, क्योंकि इसके बड़े उड़े टावर लगाए जाते हैं और वो पंख जब चलते हैं तो ये रेडियो तरंग या दूरदर्शन के जो प्रसारण संकेत हैं उनमें बाधा उत्पन्न करता है। पक्षियों के लिए हानिकारक, तो
ये ध्यान नहीं रहता है कि पंखे के बीच में आएंगे तो उनको नुकसान होगा, तो पक्षियों के लिए हानिकारक है। अगला ऊर्जा स्रोत है परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम थोरियम के परमाणुओं के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त होती है। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा प्राप्त होती है। परमाणु ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप महाद्वीप के देशों में किया जाता है। भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप हैं। थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइट बालू में पाया जाता है। भारत में परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु में कलपकम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, राजस्थान में जो परमाणु ऊर्जा का जो केंद्र है वो रावतबाटा चित्तौड़ जिले में, लेकिन ये जो नजदीक पड़ता है कोटा के लिए, इसलिए हमारी पाठ्य पुस्तक में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर दिया गया। उत्तर प्रदेश में नरेना और कर्नाटक में के गाय। परमाणु ऊर्जा के लाभ। बड़ी मात्रा में ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा की हानि और रेडियो एक्टिव को व्यर्थ उत्पन्न करना, यानी इसमें कई रेडियो एक्टिव किरणें व्यर्थ में उत्पन्न हो जाती हैं। और दूसरा ये खर्चीला भी है। अब भूतापीय ऊर्जा, यानी भूमि के अंदर जो गर्मी है उसके द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करना। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती जाती है। ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड और फिलिस्तीन आदि में भी भूतापीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश में मणिकरण और लद्दाख में पुंगा घाटी में स्थित हैं। भूतापीय ऊर्जा के लाभ। स्वच्छ पर्यावरण हितैषी वे हर समय उपलब्ध है। ये जो भूतापीय ऊर्जा है स्वच्छ होती है, पर्यावरण के लिए हितैषी होती है और हर समय उपलब्ध रहती है। इसकी हानि है, मुख्य रूप से हानियां क्या है, तो शहर से बहुत दूर अवस्थित होने के कारण विद्युत वहन खर्चीला। जितनी भी भूतापीय ऊर्जा के जो स्रोत हैं वो शहरों से दूर स्थित होते हैं, इस कारण इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना खर्चीला होता है। अगला है ज्वारीय ऊर्जा। समुद्र आदि के तटीय इलाकों में ज्वार और भाटा के समय जो ऊर्जा उत्पन्न की जाती है वो ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। यह इस ऊर्जा का विध्वंस समुद्र के संकरे मुहानों में बांध के निर्माण से किया जाता है। उच्च ज्वार के समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टर्बाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। उच्च ज्वार में समुद्र के पानी का जो जल स्तर है वो ऊपर उठता है और उस समय जो जल अंदर जाता है उसे टर्बाइन को घुमाकर ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है। रूस, फ्रांस और भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मिल के क्षेत्र हैं। ज्वारीय ऊर्जा के लाभ। प्रदूषण मुक्त, ये किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलाती है। इसके अलावा असमाप्य, यानी यह कभी समाप्त नहीं होने वाला ऊर्जा संसाधन है। हानि, वन्य जीव आवास का नष्ट होना, यानी जिस जगह पर ये बांध आदि बनाए जाते हैं वहाँ पर वन्य जीवों का जो आवास है यानी जहाँ पर वो वन्य जीव रहते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। दोहन में कठिन, यह ऊर्जा ऐसे स्थानों पर उपलब्ध होती है वहाँ पर इसका उपयोग करना काफी कठिन होता है। अगला है बायोगैस। जैविक अवशिष्ट जैसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अवशिष्ट और अवशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है, इसे बायोगैस कहते हैं। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं, यानी वो उसमें सड़ने की प्रक्रिया होती है, जो अनिवार्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। ये जो अपघटन की प्रक्रिया होती है उसमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो मिश्रण है वो गैस के रूप में बनता है। बायोगैस खाना पकाने विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है और इससे प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का उत्पादन किया जा सकता है। अब हम देखते हैं इसके लाभ। बायोगैस है वो लागत कम है, इसके एक तो बहुत कम लागत आती है, उसके अलावा उपयोग में आसान, उत्पादन भी लागत भी कम और उपयोग भी आसान। जैव व्यर्थ का उपयोग और बायोगैस का उत्पादन, यानी ऐसे पदार्थ जो हमारे किसी काम के नहीं होते हैं सीधे तौर पर उनको काम में लिया जाता है और
विद्युत उत्पादन भी होता है, उसके अलावा जैविक खाद का निर्माण भी इसमें साथ में हो जाता है। इसकी हानि क्या है? हरित गृह प्रभाव का कारण, हरित गृह प्रभाव का कारण होता है क्योंकि इसमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो मिश्रण निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हरित गृह प्रभाव का मुख्य कारण मानी जाती है। इस प्रकार ये पाठ यहीं समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो उपयोगी लगा होगा। अगर वीडियो उपयोगी लगा है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आपका अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।